हेलो स्टूडेंट, मैं ओम प्रकाश गुप्ता, सहायक अध्यापक पंडित दीनदयाल, आपका आज के इस वीडियो में स्वागत है। आज हम अपने भारत के मैप संबंधी थोड़ी बहुत जानकारी करेंगे, क्योंकि आपको अपने इकाई एक में अध्याय दो के संबंध में कुछ ऐसी बातें होंगी जो आपको आपके भारत के संबंध में बताए जाएंगे। उससे पहले आपको भारत की स्थिति एवं विस्तार के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी अवश्य होनी चाहिए। तो आइए देखें कि हमारे जो भारत की स्थिति है वह कौन से महाद्वीप में है और कौन से महाद्वीप के किस दिशा में है। ठीक है, सबसे पहले देखें जो हमारा भारत देश है वह एशिया के दक्षिण में स्थित है। एशिया के दक्षिण में है, जिसके आप हमारा जो भारत देश है वो एशिया महाद्वीप में है और एशिया महाद्वीप के दक्षिण दिशा में है। अब इन दिशाओं का ज्ञान हम कैसे करते हैं? ठीक है, तो हम सबसे पहले कभी भी कोई भी मैप आपके हाथ में मिले तो हम सबसे पहले दिशाओं के ज्ञान के संबंध में हम ये आते हैं कि जो सामने की तरफ आपके हाथ में जो पेपर है या मैप है, उस मैप में सामने की तरफ जो दिशा होती है वह उत्तर की दिशा होती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये मैप हमारे सामने है तो ये मैप जो सामने तरफ सीधा है वह नॉर्थ में उत्तर दिशा में काउंट किया जाता है। ठीक है, या देखें एरो बनाया गया है, हमेशा जो नॉर्थ है आपके मैप में सामने की तरफ दिखाया जाता है। ठीक है, और उसके बॉटम में नीचे विपरीत दक्षिण दिशा यानी साउथ को काउंट किया जाता है। ठीक है, और आपके दाहिने तरफ जिस दिशा में आपने मैप को रखा है आपके दाहिने तरफ वह पूर्व दिशा यानी ईस्ट को दर्शाता है। ठीक है, पूर्व दिशा को दर्शाता है, और ठीक इसके विपरीत आपके बाएं हाथ में वह पश्चिम दिशा यानी वेस्ट को दर्शाता है। ठीक है, ये इतना ज्ञान आप नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट हमेशा किसी भी मैप में ऐसे ही फॉलो करेंगे, वह भारत का मैप हो, किसी अन्य देश का हो, या किसी भी स्थान विशेष का नक्शा आपके सामने आए तो सामने की तरफ उत्तर दिशा, ठीक उसके नीचे आपको दक्षिण दिशा, आपके दाहिने तरफ आपकी पूर्व दिशा, और आपके बाएं तरफ आपकी पश्चिम दिशा को डिनोट करते हैं। ठीक है, अब देखें जो भारत की विस्तार है, भारत एक चतुष्फलकी मतलब चार आधारों की तरफ, जैसे आप अपना एक आय बनाते हैं या वर्ग बनाते हैं तो उस तरह का ये आकार लिए हुए आपके विश्व पटल पर स्थित है। ठीक है, अब देखें इसकी जो लंबाई और चौड़ाई है यह उत्तर से दक्षिण में, ठीक है, पूरे में 3214 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण है, और पूर्व से पश्चिम जो है ये 2935 किलोमीटर है। फिलहाल आपको इससे जानकारी नहीं है, आपको बस ये लोकेशन दिखाना है कि ये उत्तर है, ये दक्षिण है, और ये दिशा पूर्व है, और ये पश्चिम है। ठीक है, क्योंकि इन्हीं दिशाओं का ज्ञान करके आप अपने इकाई एक के दूसरे अध्याय में आगे की जानकारियां अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो आप अपने कॉपी पर भारत का कम से कम दो नक्शा बना करके उसमें दिशाओं का ज्ञान और इसकी जो लंबाई चौड़ाई है इसे आप इंगित कर लेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप घर पर रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, टेक केयर, बाय बाय।